हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। तो 1857 से पहले जो है लोग क्यों अपोज कर रहे थे भाई ब्रिटिशर्स के, तो इसके बहुत सारे कारण थे भाई। सबसे पहला कारण था लैंड रेवेन्यू। तो ये जो लैंड रेवेन्यूज लेकर आए थे ना ब्रिटिशर्स ने, इसके कारण जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स अराइज हुई लैंड रेवेन्यूज के कारण। अब लैंड रेवेन्यू से क्यों प्रॉब्लम हुई भाई? प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि इनको जो है लैंड रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा लगा देते थे लोग, और किसान दे नहीं पाता था, और इनको जो है लैंड से इविक्शन करना पड़ रहा था भाई। अब जो है किसान को उसके खेत से निकाल दिया जा रहा था, तो फिर जो है वो कहाँ जाएगा? लैंड से निकाल दिया गया। इंटरमीडिएटरीज जो है निकल कर आए थे भाई। इंटरमीडिएटरीज कौन थे? तो वो थे मनी लेंडर्स थे, बड़े बड़े जो है जमींदार थे, ये जो है अब बिचौलिए बनकर आ रहे थे। तो ये मनी लेंडर्स जो निकल कर आए ना, ये जो मनी लेंडर्स जो निकल कर आए ना, ये क्या कर रहे थे कि पैसे जो थे वो दे रहे थे। अब जो भाई किसान को निकाल दिया जाएगा खेतों से, लैंड रेवेन्यूज देने के लिए होगा, नहीं तो मनी लेंडर से पैसे लेकर जो है देगा, मनी लेंडर के जो है कब्जे में ये आ जाएगा, बिल्कुल जो है ये जो है बढ़ता जाएगा अपना जो है, ये कंडीशन इसकी ख़राब होती जाएगी, और जो है मनी लेंडर्स जो है किसान को लूटता जाएगा। अब जो है दूसरी चीज़ की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको, इन लोगों ने ट्राइबल एरियाज़ में भी लेकर आया भाई। ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पे जो है आप किसी भी तरह की चीज़ों को जो है ट्राइबल एरियाज़ में नहीं लेकर जा सकते थे। ट्राइबल एरियाज जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ें थी, वहाँ जो है लोगों से, मेन लैंड से जो है बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ट्राइबल लैंड में जो है ये लोग जा रहे थे, तो उसके कारण क्या हुआ कि भाई ट्राइबल लैंड में आप लैंड रेवेन्यू लेकर जाएंगे तो वो जो है आपके अगेंस्ट खड़े होंगे तीर धनुष लेकर। दूसरी चीज़ की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी ना, यहाँ की जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, उनको जो है बंद कर दिया गया भाई। अब यहाँ की जो इंडिजीनियस जो यहाँ की जो इंडिजीनियस यहाँ की जो है इंडस्ट्रीज़ थी, उसको यदि आप बंद करते हैं तो बंद करेंगे आप तो जो है यहाँ के लोग अगेंस्ट में आपके खड़े होंगे। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी उनको बंद कर दिया गया। अब इससे जो है किसानों को प्रॉब्लम्स हुई, उनके जो रॉ मटेरियल थे वो बिकते नहीं थे, तो और जो है रॉ मटेरियल से खरीदते थे तो ब्रिटिशर से खरीदते थे, और जो है कम पैसों में खरीदते थे, पैसे ज़्यादा मिलते नहीं थे। तो ये कारण थे जिसके कारण जो है ये लोग अपोज किए भाई। अब प्रिस्टली और स्कॉलर क्लास था, उसकी इज्जत भी नहीं थी भाई, ये लोग इज्जत नहीं करते थे ब्रिटिशर्स, तो ये भी कारण था कि जो है इनको जो है इन्होंने अपोज किया इसका। दूसरी चीज़ की फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल भाई। अब ब्रिटिश रूल का जो फॉरेन कैरेक्टर था, जो इनके अंदर जो है एलियन रूल हमेशा बना रहा कि हाँ ठीक है एलियन है, ये बाहरी लोग हैं और यहाँ कभी बसे ही नहीं, ये लोग जो है यहाँ के हुए ही नहीं, जैसे मुस्लिम से वो आए यहाँ पर सेटल हो गए, लेकिन ब्रिटिशर्स कभी यहाँ सेटल नहीं हुए थे। इन सारे कारण से जो है हम देखें पीपल रेसिस्टेंस जो है ये ब्रिटिशर्स के अगेन खड़ा हुआ। अब इसके आगे हम देखें तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये अलग अलग तरीके के थे, अलग अलग जो है लोग जो है इसको कर रहे थे। अब इन लोगों में जो है कुछ लोग जो थे, जैसे यदि हम देखें कि कुछ लोग थे जैसे यहाँ से निकल आ रहे थे, जो है सिविल अपराइजिंग शुरू हो गई थी, सिविलियंस थे जो कि इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पे जो है पीजेंट्स खड़े हुए थे, अब पीजेंट्स भी जो है इनके खिलाफ खड़े हुए। तीसरे लोग थे यहाँ पे जो है ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, ट्राइबल पीपल जो है खड़े हो गए भाई, ट्राइबल रीजन में आप जाकर इंटरफेयर करेंगे तो वो तो खड़े होंगे ही। चौथी चीज़ थी मिलिट्री रेवेन्यू भाई, ये मिलिट्री रिवोल्ट्स, तो मिलिट्री रिवोल्ट जो यहाँ पे कर रहे, मिलिट्री भी रिवोल्ट कर रही थी क्योंकि मिलिट्री की इज्जत नहीं थी भाई। अब मिलिट्री जो गई थी वहाँ पे, वहाँ पंडित थे जो ब्राह्मण थे वो जो है गए थे, ब्राह्मण्स जो है गए थे, और बड़े क्षत्रिय जो है गए थे, तो बड़े कास्ट के लोग जो है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ये लोग जो है गए थे क्योंकि इनको सम्मान नहीं दिया जाता था समाज में। मिलिट्री में होते थोड़ा सा समाज में जो है इज्जत होती थी, इज्जत इनके लिए बड़ी जो है कीमती चीज़ होती है, तो यहाँ जो है ये लोग जाते हैं मिलिट्री में ताकि थोड़ी इज्जत बनी रहे। वहाँ पे भी देखा जाता है कि इनकी इज्जत की कोई कदर नहीं होती, जो ये लोग जो है चुटकी जो रखते थे उसको काट दिया जाता था, पगड़ी जो बांधते थे उसको जो है कहा गया कि निकाल दो आप, जो ये लोग कुछ भी पहनते थे उसको जो है ये कहते थे कि बिल्कुल आप निकाल दो, इसका कोई मानना नहीं है, आप जो है तुरंत निकालिए इसको और इसको फेंक दीजिए। तो इस तरह की जब चीज़ें आई, अब ओशियंस के पार जो है जाना था, ये टबू था भाई इनके लिए, अब इनको ओशियन के पार जाने का मतलब है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब लेकर आ रही थी तो मिलिट्री भी जो है रिवोल्ट कर रही थी, मिलिट्री रिवोल्ट कर रहे थे, ट्राइबल्स पीपल रिवोल्ट कर रहे थे, पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, सिविलियंस रिवोल्ट कर रहे थे। अब इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं सिविलियंस के बारे में भाई।
सिविलियंस जो है ये किस तरह रिवोल्ट कर रहे थे। तो सिविलियंस ने क्या किया कि सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट किया भाई। सन्यासी रिवोल्ट जो है ये हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट ये हुआ था जो है 1763 से 1800 तक जो है ये रिवोल्ट चला था, 1763 से 1800 तक। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था कि बिहार और बंगाल वाले रीजन में मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे भाई। अब ये सन्यासी लोग जो है इधर उधर घूमकर जो है ज़मींदारों से अपना जो है कुछ चीज़ें लेकर जो है अपनी चीज़ों को जो है यात्रा करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जो है इनको इनके मूवमेंट पर जब रोक लगाया गया तो ये जो है खड़े हो गए, इनके खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये जो इनके खिलाफ जो खड़े हुए तो ये सन्यासी जो है लोग थे जो कि इधर उधर विचरण करते थे, और इनको कुछ जमींदार वगैरह जो होते थे बड़े बड़े वो जो है कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये ढोंगी लोग हैं, ये जो है बस इनको मांगकर खाना है, और जो है इनको तुरंत इनको जो है रोका जाए। सन्यासी रिवोल्ट जो है हुआ और इसमें जब रोका गया तो ये लोग जो है इसके खिलाफ खड़े हुए। आनंद मठ के बारे में ध्यान रखिएगा भाई, आनंद मठ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल है बंकिम चंद चटर्जी का, और आनंद मठ जो है बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। इस नॉवेल को है याद रखिएगा क्योंकि आनंद मठ में ही जो है इन्होंने सन्यासी रिवोल्ट की बात की हुई है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। एक और जो है इनका जो है बंकिम चंद चटर्जी का जो है एक और नॉवेल है जिसका नाम है देवी चौधरानी, उसको भी जो है ध्यान रखिएगा। मेदनापुर और धानभम में जो है दूसरा रिवोल्ट हुआ था वो, तो मेदनापुर वाला रीजन में जो है मेदनापुर यदि देखें, मेदनापुर और जो है धालभम वाला जो रीजन था यहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ था, और ये रिवोल्ट हुआ था ये 1763 से और 1774 तक चला था। तो 1763 से जो है चला था और जो है 1777 तक जो है ये रिवोल्ट चला था। और इसमें क्या हुआ था कि लगभग 3,000 जो जमींदार और तालुकदार थे ना उनके रिलेशंस किसानों के साथ बड़े अच्छे थे, तो जब लैंड रेवेन्यूज ये लोग लगाए ना, ये लोग रेवेन्यूज जो है कलेक्शन कर रहे थे, टैक्सेस लगा रहे थे लैंड पे, तो उस समय जो है जमींदार जो है वो किसानों के फेवर में आ गए भाई। अब किसानों के फेवर में आ जाएगा, घोड़े जो है घास से दोस्ती कर लेंगे तो कैसे फिर जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो जमींदारों को जो है इनको भड़काना था कि किसी तरह तुम जो है किसानों के खिलाफ खड़े हो और उनसे मारपीट कर जो है रेवेन्यू कलेक्ट करो कैसे भी। तो जमींदार जो है वो किसानों के साथ खड़े हो गए, इसीलिए जो है यहाँ पे जमींदारों की ज़मीनें छीन ली गई। अब जमींदारों की ज़मीनें छीन ली गई तो यहाँ पे जो है लोग अगेंस्ट में खड़े हुए हैं इसके, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल जो है ये लोग थे इसमें। तीसरी चीज़ यदि हम देखें इसमें, तो तीसरी जो है सिविलियन रिवोल्ट जो है देखें तो रिवोल्ट ऑफ मुआ मरीज जो है निकल कर आता है भाई। अब मुआ मरीज कौन थे भाई, अब ये जो मुआ मरीज थे ये असम में थे, असम में जो है थे 1769 से जो है ये रिवोल्ट चला था 1799 तक, तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे क्या था कि ये जो है अहोम किंग था, इनके साथ जो है इनको प्रॉब्लम्स हुई यहाँ के लोगों से, तो जो है इन्होंने हेल्प मांगा ब्रिटिशर से, ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया तो भाई उनको एक्वायर भी करना था भाई, ब्रिटिशर किसको छोड़ने वाले थे, तो इस रीजन में आए। तो इमुआमरीज में जो है आसाम जो है ये जो है कुछ पार्ट बांग्लादेश का था इसमें जो है इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। और कृष्ण नारायण और जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। अब सिविल अपराइजिंग गोरखपुर बस्ती और बहराइच में हुआ था भाई, चौथा चीज, चौथा रिवोल्ट यदि हम देख लें तो यहाँ पे जो है सिविल अपराइजिंग हुई थी कहाँ पे, तो गोरखपुर वाले में भाई, गोरखपुर वाले रीजन में। और कहाँ पे हुआ था, तो गोरखपुर में, बस्ती में और बहराइच में, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा इसका। तो इस रीजन में जब ये रिवोल्ट हुआ तो यहाँ किस लिए हो रहा था भाई, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि इजारदार सिस्टम जो है लेकर आया था। अब इजारदार जो सिस्टम था इसमें क्या था कि इंग्लिश जो ऑफिसर्स थे उनको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है लगाया गया कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सको तो करो, क्योंकि मराठा और मैसूर के साथ जो है वॉर लड़ते लड़ते इनके पैसे ख़त्म हो गए थे, तो भाई इनको पैसों की ज़रूरत थी, सिविल अपराइजिंग जो है इसमें हुई। क्योंकि गोरख बस्तीपुर और बहराइच वाले रीजन में ये लोग खूब ज़्यादा पैसे जो है कलेक्ट किए, रेवेन्यू जो है कलेक्ट किए, लगभग 22 लाख रुपये जो है एक साल में कलेक्ट कर लिया था। और ये एक सेक्रेट एक्सपेरिमेंट था कंपनी का, और यहाँ पे जो है देखें तो इन्होंने जो है इतने पैसे इकट्ठे किए और जो है फिर इसको बंद कर दिया गया। ये काफ़ी इनह्यूमन था, काफ़ी ज़्यादा जो है हार्शली इसको जो है लगाया गया था, और पैनिक बिल्कुल हो गया था गोरखपुर वाले रीजन में, बस्ती का और बहराइच वाले रीजन में, तो इसलिए जो है इसको बाद में ख़त्म किया गया। इसके बाद देखें हम
तो जो है मुआमरिज का हो गया और जो है गोरखपुर बस्ती और बहराइच हो गया। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ वजिंगरम हुआ था भाई। अब इस रिवोल्ट के बारे में यदि हम देखें, ये जो वजिंगरम वाले रीजन में हुआ था, यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ क्या चल रहा था भाई, एक मिनट, चलिए मैं यहीं पे जो है इसको स्क्रीन को क्लियर करके लिखता हूँ। तो यहाँ जो है क्या हुआ था, हम देख रहे थे कि जो है ये वजिंगरम वाले रीजन में क्या हुआ था कि फ्रेंच को निकालना था भाई, नॉर्थ आर्कोट वाले रीजन से फ्रेंच को निकालना था। और फ्रेंच को निकालना था तो भाई अब फ्रेंच को निकालने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए। अब ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए तो भाई आपको जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए तो आपको जो है ब्रिटिशर्स को जो है खुश करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और जो है यहाँ पे इस रीजन में जो है इनको निकाला, फ्रेंच को जो है निकाला, और निकाल कर खुद जो है डिमांड करने लगे इनको, इनको जो है इनसे जो है पैसों की। तो यहाँ पे जो है जो डिमांड हुई थी वजिंगरम वाले रीजन में, तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो है इंग्लिश ने जो है ये जो ये ट्रीटी थी उसको तोड़ते हुए इन्होंने जो है 3 लाख रुपए की डिमांड कर दी। जो वजिंगरम राजा, विजय राम राजू जो राजा विजय रंगम थे, वहाँ से जो है इन्होंने मांग लिया पैसे। अब पैसे मांगे तो फिर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, भाई आप आए थे किस लिए और क्या कर लिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिवोल्ट चला। इसके बाद हम देखें, थोड़ा फास्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है वजिंगरम वाले रीजन में ये चला था। इसके बाद रिवोल्ट इन बेदनौर हुआ था भाई, बेदनौर, रिवोल्ट ऑफ बेदनौर, रिवोल्ट ऑफ बेदनौर जो चला था, ये चला था 1797 से 1800 तक। तो 1797 से जो लेकर जो है 1797 से लेकर जो है 1800 तक जो है रिवोल्ट चला था। ये चला था कर्नाटक वाले रीजन में, कर्नाटक वाले रीजन में जो है ये चला था। और यहाँ पे जो है धुंधिया वाग यहाँ पे लीडर थे। केरला वार में पझासीज राजा का रिवोल्ट हुआ था भाई। अब पझासीज राजा जो थे, इनका रिवोल्ट जो है चला है कहाँ पे, तो केरला में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये रिवोल्ट चला था 1797 से 1805 तक, 1797 से, सॉरी 1797 से जो है ये चला था 1805 तक। ये रिवोल्ट जो है चला 1797 से 1805 तक। पझासीज राजा केरला के जो है ये राजा थे। यहाँ पे जो है रिवोल्ट चला था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो है ये 1797 से 1805 तक चला था केरला में, केरला वर्मा थे। फिर सिविल रिवेलियन जो है हुआ अवध में। अब अवध में जो है सिविल जो रिवेलियन हुआ ये जो था ये 1799 में हुआ था। तो 1799 में जो है ये रिवोल्ट हुआ था 1799 में। और जो ये अवध में हुआ था, ईस्टर्न वजीर जो है ये थे वजीर अली, और वजीर अली जो थे ये खड़े हो गए थे भाई, क्योंकि भाई इनको हटाया गया, वजीर अली को जो है हटाया गया यहाँ से। तो वजीर अली को जब हटा के इनके जो अंकल थे सादात अली खान, उनको जो है पावर दे दी गई भाई। अब पावर दे दी गई और जो है इनको हटाकर बनारस भेज दिया गया था। बनारस में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है इन्होंने जो है मजिस्ट्रेट जो था बनारस का, उसके जो है उसके ऊपर जो है इन्होंने अटैक किया। और उस रीजन को जो है यहाँ पे देखा कि उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये मसकेरा बनारस कहलाता है। और उसके बाद जो है भाग कर गए जयपुर के राजा के पास में। तो आर्थर वेलेसली था जो कि जयपुर के राजा से ट्रीटी वगैरह करके जो है इनको फिर ले लिया और फिर से जो है इनको कन्फाइनमेंट में भेज दिया था। फिर इसके बाद देखें गंजम और गुमसूर वाले रीजन में 1800 से 1835 से 37 तक जो है रिवॉल्ट चला था। अपराइजिंग जो है गंजम और जो है अगर ये हम देखें तो ये जो है गंजम, क्या दिख रहा हूँ, गंजम एंड गुमसूर वाले रीजन में जो है ये हुआ था, गंजम और गुमसूर। तो गंजम और गुमसूर जो है ये एडजॉइनिंग रीजन है नॉर्थन सिरेकर्स के पास में। तो गंजम और गुर्जुन ये जो है गुमसूर वाला रीजन था जहाँ पे जो है ये जो है ओडिशा के पास में स्त्रिका भंज और जो है धनंजय भंज यहाँ पे लीडर्स थे, जो कि भाई ब्रिटिशर से इनका भी जो है चीज़ें चल रही थी। और गंजम और गुमसूर वाला जो है आप रिवोल्ट याद रखेंगे। इसके बाद हम देखें कि जो है अपराइजिंग हुई पलामाऊ में भाई, 1802 तक, 1800 से 1802 तक पलामाऊ में जो है अपराइजिंग हुई थी। अब पलामाऊ में क्या अपराइजिंग हुई थी, पलामाऊ में हुआ क्या
कि यहाँ पे जो है छोटा नागपुर, अब झारखंड वाला जो रीजन था जिसमें भूखन सिंह जो है लीडर थे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखा गया कि ये लोग जो है इंटर कर रहे थे इस रीजन में, ब्रिटिशर जो है यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम लेकर आए, और तो भूखन सिंह जो है उसको अपोज किया, तो पलामू जो है 1802 तक हुआ था। इसके बाद यदि हम देखें तो पॉलीगर्स का रिवोल्ट हुआ था भाई, पॉलीगर्स जो रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था 1795 से 1805 तक। तो पॉलीगर्स जो थे इनका रिवोल्ट हुआ था, इनका रिवोल्ट जो है हुआ था 1795 से 1805 तक, 1795 से 1805 तक जो है ये रिवोल्ट चला पॉलीगर। और पॉलीगर में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ये रंगनाथपुरम शिवगिरी वाला रीजन था, मदुरई जो है और नॉर्थ एरकॉट वाला रीजन था, तमिलनाडु वाला जो एरकॉट वाला जो तमिलनाडु का रीजन, कोट्टबामन नायकन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और जो है दीवान ऑफ वेलाथम्पी का रिवोल्ट याद रखिएगा भाई, दीवान ऑफ वेलाथम्पी। अब जो वेलाथम्पी का यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेलाथम्पी। इसमें जो है आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, एक प्रोक्लेमेशन आया था जिसको मैं नाम भूल रहा हूँ, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन कह रहे थे, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन जो है हुआ था, वहीं से जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए और जो है इनसे लड़ना शुरू किया। वेलाथम्पी जो है यहाँ के दीवान थे जो लड़े और इनको जो है मार दिया गया। फिर इसके बाद जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में डिस्टर्बेंस हुआ भाई, सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद जब ये कैप्चर किया इस रीजन को, तो यहाँ पे जो है ये रेसिस्टेंस शुरू हुआ, अजयगढ़ फोर्ट के जो है किलेदार थे लक्ष्मण दावा, ये लोग जो है इसको अपोज किया, और ये जो है रेसिस्टेंस चलता रहा। फिर बाद में जो है कि इकरारनामा जो है साइन हो गया था इनके बीच में, और जो है सेटलमेंट हो गया। फिर इसके बाद परला का मेधी जो है आउटब्रेक हुआ था, परला का मेधी जो है वेस्टर्न बॉर्डर जो गंजम डिस्ट्रिक्ट का है वहाँ पे हुआ था, ये उड़ीसा में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हुआ था जमींदार्स का राजा के साथ हुआ था। कंपनी ने जो है गंजम और नारायण गंजम जो है एक्वायर किया, और नारायण देव जो थे ये परकल मेधी के राजा थे, जहाँ पे जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अपोज किया, और इस तरह से जो है यहाँ लड़ाइयाँ चली और इसको एक्वायर कर लिया गया। कच्छ में भी जो है रिबेलियंस भाई खड़े हुए, कच्छ वाला जो रीजन था, कच्छ वाले रीजन में भी जो है रिबेलियंस खड़े हुए, 1816 से लेकर 1832 तक ये लोग लड़ते रहे। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश और महाराजा भारमल के बाद में जो है एक ट्रीटी थी कि कच्छ वाले जो रीजन है वहाँ का पावर जो है इनके कंट्रोल में होगा, लेकिन पावर स्ट्रगल जो है महाराजा का जो है देखते हैं कि ये लोग जो है आपस में लड़ने लगते हैं, तो इंटरनल फ्यूडल्स जो है ये कन्फ्लिक्ट होता है कच्छ वाले रीजन में, तो ब्रिटिशर्स जो है ये आते हैं और यहाँ पे जो है सबको रिमूव करके और जो है अपने किसी लॉयल व्यक्ति को जो है यहाँ पर बिठाते हैं, तो ब्रिटिश रेसिडेंट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आ जाती है और डीफैक्टो जो है रूलर बन जाते हैं यहाँ पर, और इस तरह से जो है इसको कंट्रोल करते हैं। बरेली में अपराइजिंग होती है भाई, बरेली में जो है अपराइजिंग होती है 1816 में, याद रखिएगा जो बरेली में अपराइजिंग हुई थी वो 1816 में हुई थी, और ये जो अपराइजिंग हुई थी यहाँ पे क्या था कि ये जो है पुलिस टैक्स लगा रहे थे, पुलिस टैक्स लगा रहे थे, इसके कारण जो है यहाँ पे जो है रिवोल्ट हुआ था। तो इसके बाद हम देखें कि ये जो है बरेली में चीज़ें चली थी, और बरेली के बाद जो है हम चलते हैं तो 1816 में जो है हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज जो है यहाँ पे लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे ये, जो कि रेजिस्टेंस म्यूनसिपल टैक्स के लिए हुआ था, और ये रिलीजियस जिहाद में जो है बदल गया था। ये हाथरस देखें तो अपराइजिंग हाथरस में भी हुआ था भाई, हाथरस वाले में जो अपराइजिंग हुई थी यहाँ पे क्या हुआ था कि 1817 में जो है ये अपराइजिंग हुई थी 1817 में, और ये अपराइजिंग हुई थी अलीगढ़ और आगरा वाले रीजन में उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पे जो है दयाराम और भागवत सिंह जो है ये इंपॉर्टेंट इंसर्जेंट थे, ये जो है लीडर्स थे। पाइका रिबेलियन 1817 में जो है लड़ा गया भाई, जो पाइका रिबेलियन था ये जो है 1817 में लड़ा गया, 1817 में जो है लड़ा गया। अब पाइका रिबेलियंस के बारे में यदि हम देखें, एक मिनट, तो पाइका के बारे में देखें तो ये 1817 में उड़ीसा में लड़ा गया था, बक्सी जगबंधु विद्याधर जो है यहाँ पे लीडर थे। पाइका जो है असल में यहाँ के जो है सोल्जर्स होते थे, तो वो सोल्जर्स जो है जब इनकी ज़मीनों को जो है टैक्स लगाया गया इनके ऊपर, इन्होंने जब इन्हें भाई रिवोल्ट किया, और यहाँ पे जो है कुछ लीडर्स थे जैसे मुकुंदरा देव और जो है दीनबंधु सांतारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे। वगैरह रिवोल्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, वगैरह रिवोल्ट 1818 से 20 तक हुआ था बड़ौदा रीजन में गुजरात में, और इसको जो है वगैरह चीफ ओखा मंडल ने जो है लीड किया था भाई। दूसरी चीज़ थी अहोम रिवोल्ट। अब ये जो अहोम रिवोल्ट हुआ था, अहोम रिवोल्ट ये चला था 1828 में, 1828 में जो है चला था, और यहाँ पे क्या हुआ था कि असम में जो है गांधर कुंवर और जो है महाराजा प्रताप
पुरंदर सिंह थे जिन्होंने जो है यहाँ पे, और जो है नरेंद्र गदाधर सिंह थे, और जो है कुमार रूपचंद जो है इम्पोर्टेंट लीडर थे होम रिवोल्ट वाले में। तो यहाँ पे भी जो है ये ब्रिटिशर से ही जो है पंगा था और इसके खिलाफ जो है ये लोग लड़े। इसके बाद हम देखें कुमार ये जो है, इसके बाद सूरत साल्ट एजिटेशन जो है 1844 में चल रहा था। सूरत साल्ट एजिटेशन जो है कहाँ पे चला, तो ये चला था सूरत में, और 1800 जो है 44 में चला था सूरत साल्ट एजिटेशंस। तो ये जो है चला था 1844 वाले में गुजरात में, जहाँ पे जो है यूरोपियंस जो है लोकल्स जो सूरत के थे, ये जो है लोकल्स जो सूरत के थे उन्होंने यूरोपियंस पे अटैक किया, और जो है साल्ट ड्यूटी इनका मेन इशू था। गडकरी रिवोल्ट के बारे में देखें तो गडकरी रिवोल्ट के बारे में यदि हम देखें तो ये 1844 में जो है हुआ था, और यहाँ पे जो है हमने देखा कि कोल्हापुर महाराष्ट्र वाला रीजन था। यहाँ पे भी जो है ये मिलिट्री क्लास थे जो कि रिवोल्ट किए, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट था यहाँ पे, तो इसके लिए जो है इन लोग लड़े। दूसरी चीज़ की रिवोल्ट ऑफ जो है सामंतवादी देखें, 1844 से 59 तक हुआ था नॉर्थ कोंकण कोस्ट पे, और फोंड सावंत, सुबाना निकम, दाजी लक्ष्मण, और जो है हर सावंत दिगांकर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंसर्जेंट्स थे। तो ये लोग लीडर थे जो कि इसको जो है लीड कर रहे थे। इसके बाद हम देखें कि वहाबी मूवमेंट जो है चला था। भाई वहाबी मूवमेंट जो चला था ये मूवमेंट जो है 1830 से 1861 तक चला था भाई, काफ़ी लंबा मूवमेंट चला। और यहाँ पे जो है बंगाल, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर था उस रीजन में चला था, पंजाब में चला था। एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है चला था, जो कि सैयद अहमद जो राय बरेलवी थे इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट को। तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे आप। और ये कब चला था, तो ये चला था 1830 से 1861 तक। इसके बाद हम देखें कि कूका मूवमेंट चला था भाई। कूका मूवमेंट जो था, कूका मूवमेंट जो है चला था, ये चला था 1840 से 1872 तक भाई, 40 से लेकर और 72 तक जो है चला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स को याद रखिएगा, पंजाब में रिलीजियस मूवमेंट चला था ये, भगत जवाहर मल थे जो कि इन्होंने जो है ट्रांसफर किया पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल जो है उसमें जो है बदल दिया इसको मूवमेंट को, रिलीजियस मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट में बदला। राम सिंह थे नोटेड लीडर थे जो कि यहाँ पे जो है रंगून इनको भेज दिया गया था। पीजेंट्स मूवमेंट यदि हम कुछ देख लें, पीजेंट्स मूवमेंट तो इसमें पीजेंट मूवमेंट जो है सबसे पहले देखते हैं नरकारिया, तो नरकेलिया जो है विद्रोह था, नरकेलिया, नरकेलिया सॉरी नरकलबेरिया यार, नरकल बेरिया जो है ये रिवोल्ट था, ये जो है रिबेलियंस थे नरकल बेरिया। ये रिवोल्ट जो है चला था ये 1831 में, 24 परगना जो बंगाल वाला है, टीटू मीर जो है इंस्पायर्ड थे मुस्लिम टीनेंट्स जो कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में नरकल बेरिया जो है अपराइजिंग चली थी। फिर पागलपंथी जो है चला था भाई। अब पागलपंथी के बारे में याद रखिएगा कि जो है ये रिवॉल्ट 1825 से जो है 35 तक चला था, और मैम सिंह जो है यहाँ पे लीडर थे। दूसरी चीज़ जो है करम शाह जो है यहाँ के लीडर थे, और जो है टीपू उनके लड़के थे, तो ये लोग लीडर थे पंगा जो ये पागलपंथी जो रिवॉल्ट हुआ था यहाँ पे। फिर फरैजी रिवॉल्ट 1838 से 57 तक चला था फरीदपुर में, ईस्टर्न बंगाल वाले रीजन में। शरीयत अल्लाह सन्नाब दादू मियाँ थे, ये जो है रिलीजियस सेक्ट फरैजी को जो है फाउंडर थे। इसके बाद मोपला अपराइजिंग चला 1836 से 54 तक मालाबार रीजन में केरला के, ये लोग जो है रेवेन्यू हाइक डिमांड जो हुआ था इसके कारण जो है लड़ रहे थे, फील्ड साइज को रिड्यूस कर दिया गया था। कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे जैसे जो है पहाड़िया रिवोल्ट जो है राजमहल हिल वाले रीजन में था, चार रिबेलियन जो है 1766 से 72 तक, और 1795 से 1816 तक जो है चला था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल वाले रीजन में। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे जैसे श्याम गंजम थे, दुर्जन सिंह थे, माधव सिंह थे। कोल म्यूटिन देखे तो 1831 में चली थी रांची में, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामाऊ और जो है मानभम वाले ये रीजन में। बुधो भगत जो है इंपॉर्टेंट लीडर थे। हो और मुंडा अपराइजिंग देखे तो 1820 से 22 तक चला था, 1831 से 37 तक, और 1899 से 1900 तक। यहाँ पे जो है छोटा नागपुर रीजन में बिरसा मुंडा थे जो कि लीड कर रहे थे 1899 से 1900 तक, और इनको जो है फिर पकड़ लिया गया और जो है जेल में डालकर इनको मार दिया गया, या फिर जो है कोई बीमारी से मरे थे ये जो है पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता। फिर इसके बाद जो है खोंड अपराइजिंग हुआ था 1837 से 56 तक, हिली ट्रैक्ट जो है जो कि तमिलनाडु वाला रीजन से लेकर बंगाल तक जो है फैला हुआ है। यहाँ पे जो है चक्रा बिसोई जो है लीडर थे, इंपॉर्टेंट लीडर। कोया रिवोल्ट 1803 में हुआ था और जो 1840 से 62 तक भी हुआ था, 1879 से 80 तक जो है चला था। तो ईस्टर्न गोदावरी वाला रीजन जो आंध्र प्रदेश का है यहाँ पे जो है ये लोग किए थे। तोमासोरा और राजा अयंतेयर जो है ये इंपॉर्टेंट लीडर थे। भील रिवोल्ट 1817 से 19 तक जो है चला था,
1913 में भी फिर रिवोल्ट हुआ था। तो खांडेश धार जो है, यहाँ ये जो खांडेश धार मालवा और जो है वेस्टर्न घाट्स और साउदर्न जो राजस्थान है, यहाँ पे जो है भी रिवोल्ट हुआ था। कोली राइजिंग देखें तो ये जो है वेस्टर्न घाट में हुआ था, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। रामोसी रिवोल्ट जो हुआ था, जो रामोसी राइजिंग हुई थी वो वेस्टर्न घाट में ही, चित्तर सिंह जो है इसके लीडर थे, इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर थे ये। खासी अपराइजिंग देखें तो 1829 से 33 तक हिली रीजन जो था, गारो और खासी जो है हिल है वहाँ पे, तो सिलहट, खासी, गारोज, खामटी, सिंगफोस जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज हुआ, और जो है ये तीरथ सिंह के अंडर में हिल ये जो है खासी रिवोल्ट किया था। 1829 से 33 तक जो है रिवोल्ट चला था। इसके बाद जो है सिंगफोस रिवेलियन 1830 से 31 और 43 में चला था। तो असम बर्मा बॉर्डर पे जो है ये जो है रिवोल्ट चला था। निरंग फीडू जो है इसको लीड किया था 1843 में। अच्छा, सिपॉय म्यूटिनीज कुछ हुई थी भाई यहाँ पे, जैसे जो है वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में, 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट जो है 1824 में, ग्रैंडियर कंपनी जो है 1825 में असम में, म्यूटनी जो है सोलापुर में 1833 में, म्यूटनी जो है 34th नेटिव इन्फेंट्री के 1844 में, 22nd नेटिव इन्फेंट्री के जो है 1849 में, और 66th नेटिव इन्फेंट्री की जो है 1850 में, 37th नेटिव इन्फेंट्री जो है 1852 में, ये कुछ रिवोल्ट हुए। तो इस चैप्टर को जो है हमने ख़त्म किया कि ये जो है सिविल जो है मिलिट्री और जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स कुछ ना कुछ जो है इधर उधर चल रहे थे 1857 से पहले। इसका अगला जो चैप्टर है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो है आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।